क्वेश्चन नंबर सात, कॉट थीटा बराबर दे रखा है सात बटा आठ, हमें ज्ञात करना है नंबर एक, क्या ज्ञात करना है, वन प्लस साइन थीटा कोस्टर, वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो असल याद रख दो, कॉट का मान दे रखा है कितना कर लोगे, सात बटा आठ का होल स्क्वायर पचास बटा दस, ये उत्तर तो आपके आ गया। अब वो ऊपर वाला उत्तर क्या करना, हम याद करना इसमें क्या है साइन और कॉस है। तो देखो पहले हम जो चीज गाइड में कर्ण नहीं दे रहे, क्योंकि ये कॉट है, कॉट का मतलब क्या होता है, लंब आधार बटा लंब, उल्टा आधार बटा लंब, क्या नहीं इसके अंदर कर्ण, तो कर्ण पहले हम ज्ञात करेंगे, कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, सात का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर, सातों साथी उनपचास, आठों आठी चौसठ, ये रहेगा एक सौ ने तेरह, जो हो गया कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, एक सौ तेरह का रूट निकलते नहीं, ये रहेगा। अब आपको ज्ञात करना है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने ज्ञात कर लिया है, पहला पॉइंट कितना है आपके, वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, फिर दे रखा है एक प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नियम है कि अगर कोई संख्या एक बार किसमें हो प्लस में, एक बार किसमें हो माइनस में, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का भी होल स्क्वायर और साइन का भी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यही संख्या है दोनों प्लस में है और यही दोनों किसमें है माइनस में, तो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो ए का भी स्क्वायर और बी का भी, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, फिर इसमें भी ऐसे कर लेंगे हम, वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, एक का एक ही रहेगा, साइन का साइन स्क्वायर और वन का वन ही रहेगा और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आठ और कर्ण कितना है अंडर रूट का एक सौ तेरह, अगर यहाँ इसके ऊपर क्या लगा दूं स्क्वायर, यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, आठ आठी चौथ स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट भी हट गया, तो साइन स्क्वायर का मान सीधा मान लिख सकते हैं। दूसरा है आपके कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है सात, ये आधा कितना है सात और ये कितना है का एक सौ तेरह का होल स्क्वायर, ये तो केवल ऐसे ही है संख्या, अगर इस पर लगाएंगे स्क्वायर ये हो जाएगा उनपचास बटा एक सौ तेरह, देखो एक का एक वन माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान क्या है, ये देगा साइन का मान क्या रहेगा, चौसठ बटा एक सौ तेरह, चौसठ बटा एक सौ तेरह, वन माइनस उनपचास बटा एक सौ तेरह, एक सौ तेरह क्या आ गया आपके, एक सौ तेरह है कम एक सौ तेरह माइनस चौसठ, ये हो गया एक सौ तेरह, एक सौ तेरह है कम एक सौ तेरह माइनस उनपचास, 113 में 64 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे आपके, 49 बटा 113 और 113 में 49 गए 64 बटा 113, ये भी संख्या भाग में और ये भी संख्या भाग में करने के लिए कितना आया है 49 बटा 64 जो इसके बराबर होगा। ध्यान दो ये तो अभी आपके 8 मिनट एक चल रहे हैं, इसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा ऐसे मान लिख के करवाया, और यदि हो सकता था वन माइनस साइन स्क्वायर को आप साइन नाम आठ पॉइंट चार में इसका सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस में जब साइन का भाग देते हैं तो उसका मतलब होता है आपके कॉट स्क्वायर थीटा होता है,
और कोट का मान कितना होता है वो 50 बटा 64, ये इसका उत्तर भी है। आप ये है शॉर्ट में है लेकिन वो आपके 8.4 रहेंगे तब कर पाएंगे वापस एक बार थोड़ा और इजी हो जाए क्वेश्चन और तभी आपके मान है या मान रख के कर लो हल कर लो उतार लो।